साल 1899, जगह द टेस्ला एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, कोलोराडो, यूएसए। 43 साल के टेस्ला अपनी प्रयोगशाला में वायरलेस पावर ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल पर स्टडी कर रहे हैं, वो भी अपने बनाए नए टेस्ला कॉइल्स के साथ। साइंटिस्ट ने पाया कि जब इसे सेम फ्रीक्वेंसी में प्रतिध्वनित होने के लिए ट्यून किया गया तो वो पावरफुल रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट और हासिल कर सकते थे। ऐसे ही एक टेस्ट करने के दौरान टेस्ला ने कहा कि वे चौंक गए जब उन्हें अजीब से रेडियो सिग्नल्स मिलने लगे। टेस्ला का मानना था कि कोई था जो हमसे नंबर्स के जरिए बात करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इसके बाद के सालों में टेस्ला ने अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए कहा कि उनके अंदर एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल से कांटेक्ट करने वाले पहले इंसान बनने की एक अजीब सी फीलिंग बढ़ रही थी। साइंटिस्ट ने हालांकि अब ये तय किया कि वो रेडियो पल्सेस स्वाभाविक तरीके से होने वाले सिग्नल्स होंगे जो ऑर्बिट में रहते हुए अंतरिक्ष की चीजों द्वारा निकाली जाती है। प्रचलित थ्योरी जिसकी जबकि कोई उम्मीद नहीं है वो ये है कि टेस्ला ने एक पल्सर या एक दूर के आकाशीय पिंड को सुना हो जो रेडियो वेव्स के रेगुलर पल्सेस को बाहर निकाल फेंकती है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। अंतरिक्ष में अलग अलग कई अजीब रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया गया और वैज्ञानिक उनकी लगातार स्टडी कर रहे हैं ताकि उनके ओरिजिन और नेचर का पता लगाया जा सके। फास्ट रेडियो बर्स्ट ये रेडियो वेव्स के बहुत ही शॉर्ट विस्फोट है जो सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स तक ही चलते हैं। ये इतने चमकीले होते हैं कि इसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिक अभी भी फास्ट रेडियो बर्स्ट के होने की वजह की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज में सुपरनोवा, ब्लैक होल्स, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल सिविलाइजेशन भी शामिल है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अजीब रेडियो सिग्नल्स वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में नई घटनाओं का पता लगाने का एक सुनहरा मौका दे सकते हैं। हालांकि इन सिग्नल्स को शक की नज़र से देखना और उनके ओरिजिन और नेचर के बारे में किसी भी दावे का गंभीरता से मूल्यांकन करना जरूरी है। वही 1977 में रिकॉर्ड किए गए डेटा की समीक्षा करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप की मदद से पता लगाए गए एक मजबूत नैरो बैंड रेडियो सिग्नल की खोज की। ये सिग्नल कॉन्स्टेलेशन सेजिटेरियस की दिशा से आते महसूस हुए जिसमें एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल ओरिजिन के प्रत्याशित लक्षण थे। ऐसे में एस्ट्रोनॉमर जेरी आर एमन, जिन्होंने इसे खोजा, वो इसके नतीजे से इतने खुश हुए कि उन्होंने कंप्यूटर प्रिंटआउट पर सिग्नल की इंटेंसिटी की रीडिंग को सर्कल किया और इसके बाद बगल में कमेंट लिखा, वाव, जो घटना के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाम की ओर इशारा करता है। ये पूरा सिग्नल सीक्वेंस करीब 72 सेकंड तक चला। इस दौरान बिग ईयर इसे ऑब्जर्व कर सकता था, लेकिन बाद में कई कोशिशों के बावजूद इसका पता नहीं चला। नेचुरल और मानव निर्मित सोर्सेस के साथ उत्सर्जन होने की कई धारणाओं को आगे बढ़ाया गया, लेकिन इनमें से कोई भी सिग्नल को सही तरीके से नहीं समझ पाया। वाव सिग्नल ये अब तक के खोजे गए एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल रेडियो ट्रांसमिशन में से सबसे मजबूत दावेदार बना। इसके बाद हमने कई अनगिनत रेडियो सिग्नल्स को खोजा जो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे। इनमें से एक प्रोक्सिमा सेंटोरी के डायरेक्शन से आया, जिसके बाद कई लोगों के दिल में ये उम्मीद जगी कि शायद एलियन सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि रेडियो वेव्स की वजह मानव निर्मित तकनीकी गड़बड़ी थी। और अब एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक की सबसे दूर की गैलेक्सी से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया है। कैप्चर किए रेडियो सिग्नल में 21 सेंटीमीटर लाइन के वेवलेंथ पाए गए, जिसका खुलासा मॉन्ट्रियल और इंडिया के रिसर्चर्स द्वारा किया गया। ये सिग्नल बेहद दूर की गैलेक्सी STSSJ0826 +5630 से आए है, जिससे रिसर्चर्स को शुरुआती यूनिवर्स में जाकर देखने में मदद मिल सकती है। इंडिया में सिग्नल का पता लगाने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया।
ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी दूर से इस तरह के सिग्नल को डिटेक्ट किया गया। प्रोफेसर मैट डॉब्स के सुपरविजन के तहत मैकगिल यूनिवर्सिटी के पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर अर्नब चक्रवर्ती का कहना है कि ये गैलेक्सी अलग तरह के रेडियो सिग्नल्स को उत्सर्जित करती है। उन्होंने आगे कहा कि अब तक इस खास तरह के सिग्नल को सिर्फ पास की गैलेक्सी से कैप्चर करना ही मुमकिन था, जो हमारे ज्ञान को सिर्फ पृथ्वी के पास की गैलेक्सीज तक ही सीमित करता है। उन्होंने ये भी बताया कि शोधकर्ताओं ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस से मंद सिग्नल को पकड़ने के लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग नाम के एक स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना का इस्तेमाल किया। वैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये शब्द अल्बर्ट आइंस्टाइन की देन है, जो ये बताता है कि पास की चीज जब दूर की वस्तु के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में काम करती है, तब असल में ग्रेविटी दूर की बैकग्राउंड गैलेक्सीज की रोशनी को मोड़ती और बड़ा करती है। चक्रवर्ती ने आगे कहा, इससे हमें पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर पर मौजूद गैलेक्सीज की कंपोजिशन को समझने में मदद मिलेगी। स्टडी में शोधकर्ताओं ने कहा कि वे दूर की गैलेक्सी के गैस सामग्री के परमाणु द्रव्यमान को ऑब्जर्व करने में सक्षम थे, और जो उन्होंने पाया वो ये था कि ये खास गैलेक्सी हमें दिखने वाले तारों के द्रव्यमान से करीब दुगुनी है। टीम ने कहा कि पता चले कि सिग्नल दूर की गैलेक्सी से निकला था जब ब्रह्मांड सिर्फ 4.9 अरब साल पुराना था। मैकगिल यूनिवर्सिटी की एक प्रेस रिलीज में इसे बताया गया कि इसने शोधकर्ताओं को शुरुआती ब्रह्मांड के रहस्यों की एक झलक देखने का मौका दिया। चक्रवर्ती ने बताया कि ये 8.8 अरब साल के वक्त में पीछे देखने के बराबर है। शोधकर्ताओं को शुरुआती ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करने के लिए मौजूदा लो फ्रिक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग भविष्य में करने की उम्मीद है। वेब शुरुआती ब्रह्मांड को देख रहा है और रेडियो टेलीस्कोप्स पुराने रेडियो सिग्नल्स का पता लगा रहा है, यानी ऐसे में हम पहले से कहीं ज्यादा बिग बैंग के करीब है। वाकई ये साइंस के लिए एक रोमांचक वक्त है और जिसका भविष्य उम्मीद से भरा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।